नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। टेकरी राम मंदिर निर्माण हेतु आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने टेकरी राम मंदिर निर्माण को लेकर दी जानकारी। तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा भव्य मंदिर का। राम मंदिर टेकरी का डेमो हुआ लॉन्च। जी हां, अयोध्या के बाद अब गुना टेकरी स्थित राम मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण होने जा रहा है। उपरोक्त जानकारी मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दी। इस अवसर पर राम टेकरी मंदिर का डेमो भी लॉन्च हुआ। मिली जानकारी अनुसार तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु कैबिनेट मंत्री ने समाज के सभी वर्गों से अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, जिला पंचायत सीईओ नीलेश पारेख भी रहे मौजूद। इंडिया खबर लाइव के लिए ब्यूरो चीफ राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। मगर अगर सबकी आहुतियां लगे थोड़ी थोड़ी, हम ये नहीं कहते कि आप 1 लाख हो कि 50,000 हो, अगर आप 5,000 या 200 रुपए भी लोगे तो वो आपका 200 रुपए यज्ञ में पूर्ण आहुति उसी के बराबर होगी जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए। हमारे प्रेस के सारे लोग बैठे, इनको देने की आदत कम है, मगर मैं इसे भी निवेदन करूंगा कि कम से कम 1 लाख तो प्रेस के माध्यम से हम सबको मिलना ही चाहिए। वो मैं घोषणा कर रहा हूँ कि प्रेस की तरफ से 1 लाख रुपए आपको मिलेगी। तो आपकी आहुति जब लगेगी तो उसमें और सुंदरता के साथ छपेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपकी आगे वो रहेगी प्रोग्रेस की, किस तरह से इसे बनाया जाएगा खूबसूरती के साथ? मूर्ति तकरीबन निर्माण की ओर अग्रसर है जी, और 1,26,00,000 रुपए का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा जी, जो बहुत गहराई में जाएगा, करीब 25 फीट नीचे जाकर जी, जिससे कि मूर्ति किसी हवा में, आंधी में, तूफान में उसको डैमेज ना हो, और एक बहुत सुंदर बनेगा और उसका निर्माण प्रक्रिया में। पंचवटी भी देखा गया है एनिमेशन में, पंचवटी बताई गई है इसमें। हमने अकेला पहाड़ी नहीं, जो नीचे का स्थल है जी, उस नीचे के स्थल को पूरा हाट बाजार में डेवलप किया जाएगा, और जो साइडों के हमारे जो पहाड़ियां हैं उसमें राम वाटिकाओं का हम पूरा प्लांटेशन कराएंगे बहुत अद्भुत ढंग से।